आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ आप तक। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें व फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। लग रहा है कि लॉ एंड काफी खराब स्थिति चल रही है। आधार क्या है उसका बताइए। जो आरोप लग रहा है बीजेपी आरोप से उत्तर देने के लिए हम नहीं, कोई कुछ भी कह सकते हैं। हम जो भी बात करेंगे तथ्यों के आधार पर करेंगे, हम आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे, उसके ना उसके बियॉन्ड बात करने का उसके बियॉन्ड बात नहीं करेंगे। सर आज इस महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, क्या हाँ मैं बता रहा हूँ। आज की बैठक करने के दो तीन मूल उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि हम अपने अधीनस्थों से फेस टू फेस बात विस्तार से करना चाह रहे थे और उसमें बातचीत करने के क्रम में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे अधीनस्थ जो हैं वो अपने काम जो है अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, किस तरह से उनके कामों को और अधिक जो है उसमें गुणात्मक सुधार किया जाए, उनको अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्याएं सुन के उनका किस तरह से निराकरण किया जाए, और इसके अलावा जो हमारी आबादी की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को कैसे जो है वो पूरा किया जाए। अंत में हम लोगों ने जो यहाँ पर अपराध के कांड हुए हैं, संवेदनशील कांड हुए हैं, महत्वपूर्ण कांड हुए हैं, उन पर केस बाय केस भी स्टडी करके और ये आकलन किया कि 90% केसेस में गिरफ्तारियां और उद्भेदन हो चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का कांड ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं जिनमें अभी उद्भेदन नहीं हुआ है, उसमें क्या उद्भेदन करने में जो है उसमें क्या क्या और स्टेप लिए जाए उस पर पूरी विस्तार से चर्चा। सर स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में कुछ बात छन जाई है, उस पर चर्चा हुई है और उसके अंदर अनुसंधान के कई बिंदु हैं जो बिंदुओं पे काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उस कांड का खुलासा हो जाएगा। यहाँ पे सर लूट की घटनाएं ज्यादा होने लगी, उस पर अंकुश लगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या? देखिए, लूट की घटना हो या और भी किसी हेड की घटना हो, अगर हम NCRB के डेटा की बात करें, वो तो डेटा भारत सरकार के स्तर से हर साल बनता है। हमारे पास जो डेटा है उसमें कुल 20 हेड्स के अंदर जो बिहार की रैंकिंग है वो 14 हेड्स में इम्प्रूव हुई है, 2 हेड्स में एक जैसी रही और मात्र 4 हेड में ही जो है उसमें हल्का गिरावट आई है रैंकिंग, क्योंकि ये उल्टा चलता है। गिरावट का मतलब ये कि अगर रैंक जो है पहले 10 थी, 10 के बाद अगर 8 आई तो उसको हम गिरावट मानते हैं। तो ये स्थिति जो है ये स्थिति बिल्कुल साफ साफ दर्शा रही है कि पिछले वर्ष जो बिहार पुलिस ने दिन रात की मेहनत की उसी का ये फलाफल जो है वो है। जो चाहे बालू की समस्या है या शराब की समस्या, समस्या तो थोड़ी बड़ी है और इसमें पुलिस का काम चलता रहता है और उस काम करने के क्रम में कुछ घटनाएं जो हैं वो ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन तब जो है हर महीने जो हम रिव्यू करते हैं और जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें एक हेड जो पुलिस पे हमला होने के फलस्वरूप जो लोग पकड़े जाते हैं या पकड़े जाने चाहिए उनकी मॉनिटरिंग पूरी मुख्यालय स्तर पर होती है। और अभी इधर इस जो पिछले महीने पिछले हफ्ता जो बीता है उस हफ्ते में 339 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। सरकार ने हमेशा बहुत मदद की है, आपने देखा भी होगा कि समय के साथ साथ हमारी मैन पावर में बढ़ोतरी हुई, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी हुई, ट्रेनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। जो लोग हमारे लोग पहले बाहर ट्रेनिंग में जाते थे वो सारी की सारी ट्रेनिंग मतलब BPS से लेकर और सिपाही तक वो हमारे बिहार के अंदर हो रही है। राजगीर की जो एकेडमी है वो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ 3 एकेडमियों में गिनी जाती है और सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी हमने अपने अंदर ही मोबिलाइज़ किए हैं, उससे ट्रेनिंग में गुणात्मक सुधार भी आया है और जो 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 पैसे की बचत है वह भी हुई है। दुनिया भर की हम लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, डायल 112 के अंदर फर्स्ट फेज में 400 गाड़ियां आई, मैन पावर लगाया, उसका भी जो है वो पब्लिक की सेवा करने में बहुत अहम योगदान रहा है। और आने वाले समय में भी जो सरकार पुलिस के प्रति उनके
जो रिक्वायरमेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और लगातार वो पुलिस के संसाधनों में बढ़ोतरी कर रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। माफियाओं के द्वारा जो है गोलीबारी की घटना भी हो रही है, इसको कैसे अंकुश लगाएंगे? देखिए, भू विवाद बोलना चाहिए, भू विवाद जो है वो यहाँ की एक बड़ी समस्या है और उसका कारण ये है कि जो भू विवाद के रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स या तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास रहते हैं और या भू विवाद के जो मामले हैं वो न्यायालय से सुलटाए जाते हैं। पुलिस का रोल इसके अंदर बहुत कम रहता है और उसमें निरोधात्मक कार्रवाई का जो रोल है वो रहता है। जो कुछ केस दर्ज होते हैं उसके अनुसंधान के क्रम में जो कागज़ों के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो एविडेंस मिलते हैं उस एविडेंस के आधार पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन भू विवाद का जो निराकरण है वह पुलिस के स्तर पर संभव नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने भू विवाद के मामलों को सुलटाने के लिए हर हफ्ते मीटिंग रखी है सीओ और थाना अध्यक्षों की, 15 दिन में डीएसपी साहिबान एसडीएम साहिबान की मीटिंग रखी है, एक महीने में जो हमारे जिला के कलेक्टर साहब हैं और एसएसपी या एसपी साहब हैं उनकी मीटिंग रखी है। तो ये जॉइंट जो एफर्ट्स हैं इन जॉइंट एफर्ट्स के माध्यम से ही भू विवादों का निपटारा हो सकता है। तो एक व्यवस्था ये कर दी है, दूसरी भू विवाद के कारण जो घटनाएँ हो रही हैं उन घटनाओं पर